क्वेश्चन नंबर 63, पेरिएटल आर एक्सेंट्रिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रीट. तो पेरिएटल सेल सिक्रीट करते हैं डिल्यूट HCl. इन एडिशन टू HCl दे आल्सो प्रोड्यूस कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 64, एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द स्लाइवा ऑफ रैबिट एक्ट्स मेनली अपॉन. तो रैबिट के स्लाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है स्लाइवरी अमाइलेस, और ये कार्बोहाइड्रेट स्पेशली स्टार्च की डाइजेशन करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में. क्वेश्चन नंबर 65, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डिवेलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्टमक. तो स्टमक के अंदर जो म्यूकोसल लेयर है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. क्वेश्चन नंबर 66, इफ़ द स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस HCl देन विच एंजाइम विल वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड देन इट्स यूजुअल टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, टियालिन एंजाइम. क्वेश्चन नंबर 67, द कंसनट्रेशन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस इज नियरली. तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl की कंसनट्रेशन है वो अराउंड अबाउट 0.4 to 0.5%. करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. क्वेश्चन नंबर 68, जाइमोजेन सेल्स आर चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट. तो जाइमोजेन सेल्स सिक्रीट्स करते हैं इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन जो कि बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl. क्वेश्चन नंबर 69, रिगर्गिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज नॉर्मली प्रिवेंटेड बाय. तो रिगर्गिटेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट किया जाता है थ्रू स्पेशलाइज्ड मसल्स, दे आर प्रेजेंट इन कार्डियक स्फिंक्टर. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू. क्वेश्चन नंबर 70, द रूफ ऑफ बकल कैविटी कंटेन. तो बकल कैविटी की रूफ पे प्रेजेंट होता है पैलेट. करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. क्वेश्चन नंबर 71, मिरास्मस डिफर्स फ्रॉम द कोशियारकर. तो ये दोनों प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं और दोनों में मैचस्टेक लेग्स डेवलप होती हैं, प्रोट्रूडेड बेली डेवलप हो जाती है और एनीमिया हो जाती है, लेकिन जो ओएडिमा है ये मिरास्मस में एबसेंट होती है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. क्वेश्चन नंबर 72, ऑस्टोमलेशिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ. तो ऑस्टोमलेशिया बेसिकली एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. क्वेश्चन नंबर 73, एंटीरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ. तो एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है और ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. क्वेश्चन नंबर 74, कोलेस्ट्रॉल सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट आर फाउंड इन. तो ये बाइल एसिड्स हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, ये बाइल में प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 75, गैस्ट्रिन. तो गैस्ट्रिन हेल्प करता है इन आल्सो इन्फ्लुएंसेस द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. क्वेश्चन नंबर 76, लैक्टियल्स फाउंड इन द इंटेस्टाइनल विलाई इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड लिपिड्स. तो लिपिड की डाइजेशन स्पेशली फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लैक्टियल. क्वेश्चन नंबर 77, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. क्वेश्चन नंबर 78, द एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन आर कॉल्ड. तो हाइड्रोलाइसिस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. क्वेश्चन नंबर 79, ड्यूडनम प्रोड्यूसेस हार्मोन. तो ड्यूडनम से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक है एंटीरोगेस्ट्रोन और दूसरा है कोलीसिस्टोकाइनिन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री. क्वेश्चन नंबर 80, द स्वालोइंग ऑफ फूड फ्रॉम बकोफ्रेंजियल कैविटी टू स्टमक इज कॉल्ड. तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीग्लूटिशन का. करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन. क्वेश्चन नंबर 81, द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन. तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज और स्टीएप्सिन. तो लाइपेस का दूसरा नाम है स्टीएप्सिन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर. क्वेश्चन नंबर 82, रेनिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ. तो रेनिन मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन